हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज अपन जानेंगे LNZ टेबलेट के बारे में, जिसे लिंजो लाइट भी कहा जाता है। यह जो टेबलेट है मुख्य रूप से बैक्टीरियल संक्रमण के खिलाफ लड़ती है, या फिर ये निमोनिया में यूज़ में लाई जाती है, या फिर स्किन इन्फेक्शन में ये यूज़ में ज़्यादातर लाई जाती है, और डायबिटिक पेशेंट में अगर घाव हो गया हो या चोट लग गई हो तब भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। पहले इसकी पैकिंग देख लेते हैं। देखिए इसकी पैकिंग, ये जो है चार टेबलेट के पैक में आती है। एक पत्ते में इसमें चार टेबलेट रहती है, और इसकी जो मार्केटिंग है लुपिन कंपनी के द्वारा की जाती है। इसकी जो मैन्युफैक्चर है हेट्रो कंपनी के द्वारा ये बनाई गई है। इसमें जो ड्रग है लिंजो लाइट है, जो कि 600 mg इसमें मिला हुआ है। इसकी जो MRP है वो भी देख लीजिए, इसकी MRP 147 रुपये है। और ये सभी दवा दुकानों पर आसानी से मिल जाती है, या ऑफलाइन मिलती है और ऑनलाइन मिलती है। तो आइए अब जानते हैं इसके बारे में। यह जो दवा है जीवाणुओं को विकसित करने में मदद करने वाले प्रोटीन के उत्पादन को रोककर जीवाणुरोधी संक्रमण के उपचार के लिए यह उपयोग में लाई जाती है। यह जो है टेबलेट जैविक यौगिकों के एक समूह के अंतर्गत आती है, जिन्हें ऑक्सालिनिनोन कहा जाता है। यह जो है एंटीबायोटिक है, एक प्रकार का एंटीबायोटिक है, जो कि जीवाणुओं को मारने का काम करता है, या बैक्टीरियल संक्रमण को मारने का काम करता है, या फिर स्किन इन्फेक्शन हो गया तो उसको भी ये मारने का काम करता है, और घाव भी भरता है ये। और यह जो दवा है डॉक्टर के द्वारा निर्देशित और प्रिस्क्राइब भी की जाती है। अब जानते हैं इसमें जो ड्रग है लिंजो लाइट, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब जानते हैं लिंजो लाइट के बारे में। यह जो दवा है MRS या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के लिए, या फिर जटिल और त्वचा संबंधी रोगों के लिए, या फिर VRE के संक्रमण में, यानी कि वेनोकोमाइसिन के संक्रमण में ये उपयोग में लाई जाती है। अब जानते हैं इस दवा का कार्य, ये दवा जो कार्य कैसे करती है। यह जो दवा है एक प्रकार का सिंथेटिक एंटीबायोटिक है, और यह जो है एंटी माइक्रोबियल के एक वर्ग से संबंध रखता है, जिसे ऑक्सालिनिनोन कहा जाता है। यह जो है जीवाणुओं के प्रोटीन संश्लेषण को बंधित करके उसको मारने का काम करता है, जिससे कि बैक्टीरिया पनप नहीं पाता है और वहीं को वहीं मर जाता है। अब जानते हैं इसका उपयोग कब करना चाहिए। अगर आपको बैक्टीरियल संक्रमण हो गया हो तब आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको निमोनिया का संक्रमण है, या आपको निमोनिया हो गया हो, तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको स्किन का इन्फेक्शन हो गया हो तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटिक और डायबिटिक फुट अल्सर में इस दवा का यूज़ किया जा सकता है। अगर आपको आप डायबिटिक पेशेंट हैं, या फिर आपको डायबिटीज़ है और आपको चोट लग गई हो और घाव बन गया हो, घाव नहीं भर रहा है, तब भी इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। और जीवाणु संक्रमण में भी उपयोग में लाई जा सकती है, और श्वसन पथ के संक्रमण में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये इसके उपयोग हो गए। अब जानते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। इसका जो पहला साइड इफेक्ट है वो है सिर का दर्द करना, जी मचलाना, उल्टी का होना, दस्त का लगना, चक्कर का आना आदि इसके साइड इफेक्ट हैं। इसलिए इसको डॉक्टर की सलाह से ही लेना है, बिना डॉक्टर की सलाह से इसे ना लें। इसमें कुछ सावधानियाँ हैं वो भी जान लेते हैं, जैसे कि एनीमिया से अगर आप ग्रसित हैं तब इस दवा को नहीं लेना है। अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तब इस दवा को नहीं लेना है। अगर आपके आंतों में सूजन बनी रहती है तब भी इस दवा को नहीं लिया जाता। और अगर आप लीवर रोग से ग्रसित हैं तब भी इस दवा को नहीं लेना है। अगर आपको किडनी की बीमारी है, या किडनी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, तब भी इस दवा को नहीं लेना है। तो इसकी सावधानियां थी। तो ये था दोस्तों LNZ टेबलेट के बारे में जानकारी, या फिर लिंजो लाइट टेबलेट के बारे में जानकारी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।